सो so, ये सब चीज़ें आप जो है फिल कर सकते हैं आपको मेल में पैनल वगैरह अलॉट हो गया होगा सो वहां से आप देख के मेल जो है फिल कर सकते हैं मेल से देख के पैनल नंबर वगैरह अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट वहां पर जाकर भी ये चीज़ फिल कर सकते हैं इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है सो so, ये वाला पेज तो स्किप करते हैं नेक्स्ट पेज देखते हैं अब हम एंड जो ये वाले पेज में है बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन अगेन इसमें है आपके जैसे कि आपका नाम हो गया आपका मतलब मैरिड हैं अनमेरिड हैं डेट ऑफ बर्थ हो गया प्लेस ऑफ बर्थ हो गया सो so ये सब आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो आप खुद फिल कर सकते हैं सो so ये इन्फॉर्मेशन आपको ब्लॉक लेटर्स में डालनी है दैट मीन्स कि जिस तरह से अलग अलग वर्ड लिखा जाता है उस तरह से आपको लेटर्स लिखने हैं मतलब एक साथ रनिंग हैंडराइटिंग में इस फॉर्म को फिल नहीं करना है आपको एंड मेक श्योर कि जब ये आप बायोडाटा का फॉर्म फिल करें सो so आपकी अपनी हैंड राइटिंग में ही हो ओके okay? एंड प्लस जब ये आप फोर्थ वाला पॉइंट ऑकुपेषन ऑफ फादर जब आप डालेंगे एंड मदर का ऑक्यूपेशन डालेंगे तो आपको फादर एंड मदर का ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए वो क्या करते हैं किस तरह का काम है उनका अगर वो बिजनेस मैन है या होम मेकर है या जो भी जिस भी तरह का उनका काम है सो तो वो आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने फादर के ऑक्यूपेशन के रिलेटेड सो एंड मदर के ऑक्युपेशन के रिलेटेड सो so, ये चीज बहुत ध्यान से फिल करिएगा एंड इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा उसके बारे में आ, सो जो नेक्स्ट वाला पेज है उसमें सेवन्थ पॉइंट में आपसे माइग्रेंट है या नहीं है एंड एक्स सर्विस मैन है तो उसके बारे में पूछा गया आफ्टर दैट एट्थ वाले पॉइंट में आपसे मदर टंग एंड लैंग्वेज जो भी आपको पता है जो आपने फॉर्म में फिल करी है उस टाइम पर वो आप डाल सकते हैं अदर देन दैट आपको अगर कोई और लैंग्वेज पता है वो भी आप डाल सकते हैं स्पीक रीड राइट अगर तीनों कर सकते हैं तो तीनों को टिक कीजिएगा अगर सिर्फ बोल सकते हैं तो स्पीक uh, को टिक करिएगा एंड रीड एंड राइट को जो है क्रॉस कर दीजिएगा जो भी लैंग्वेज आपके नोन में है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड जो नाइन पॉइंट है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसमें आपको अपनी uh, जो है मतलब जितने भी सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज आपकी जितने भी मार्क्स वगैरह बने हैं ग्रेजुएशन के टाइम पर टेंथ ट्वेल्थ के वो सब आपको जो है इसमें मेंशन करने हैं वो सब डालने हैं मंथ ईयर ऑफ पासिंग हो गया टोटल मार्क्स हो गई मार्क्स ऑफटेन एंड परसेंटेज सो ये सब आपको जो है डालनी है यहाँ पे मेंशन करनी है प्रॉपरली एक, एक चीज़ ध्यान से भरिएगा इसमें उसके बाद जो है फिर आपका जो टेंथ पॉइंट है वो है आपका एक्सपीरियंस अगर आपको है अगर आप करंटली कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं उसके बाद जो इलेवेंथ पॉइंट है वो भी स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसे अगर आपने कुछ करा हुआ है सो so, वो आप जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसके बाद आपकी हॉबीज एंड जो भी आपको स्पोर्ट्स वगैरह या करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आपने कुछ ऐसा स्पेशल करा है so वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो उसके बाद जो थर्टीन वाला पॉइंट है ये जो है पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये आ, मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपके पुलिस वेरिफिकेशन और सीआईडी वेरिफिकेशन जिन केसेस में डलती है उसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे आपकी ज्वाइनिंग के बाद तो ये एड्रेसेस प्रॉपर बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से फिल करिएगा प्रेजेंट एड्रेस हो गया परमानेंट एड्रेस कईयों का प्रेजेंट एंड परमानेंट सेम होता है कईयों का अलग होता है वो उस हिसाब से आप बढ़ सकते हैं उसके बाद फिफ्टी वाले में उसने कहा है कि अगर आपने किसी कोई भी जगह पे साल से ज़्यादा और रहे हैं सो so, पिछले पाँच सालों में तो वो आपको मेंशन करना है अगर नहीं रहे हैं तो बर्थ प्लेस ही आप अपने यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं ओके सो ये सिक्सटीन सेवनटीन एटीनथ जो है ये है कि अगर आपके ऊपर कोई भी लीगली कोई चार्ज लगा है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम लोगों का नो ही होगा सो so, यहाँ पे नो 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 लिख देना है आपको कोई भी जो है पोर्शन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है एज सच एंड हॉबीज जो ट्वेल्थ वाला पॉइंट है इसको भी बहुत ध्यान से फिल करिएगा जो भी आप अपनी हॉबी डालेंगे उस हॉबी के बारे में आपको नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए बिकॉज वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ही आपसे सो so, नाइनटीन्थ वाले में भी आपका नो no आ जाएगा बिकॉज इसमें भी यही है कि कोई एक्शन अगर आपके अगेंस्ट लिया गया है तो वो क्यों लिया गया है तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं किसी के साथ उसके बाद ट्वेंटीएथ वाला है उसमें उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कहा है सो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना आपको दो प्रोड्यूस करने हैं इधर आपके पास किसी एक एजुकेशनल uh, मतलब बैक इंस्टीट्यूट uh, का होना चाहिए उसके बाद या तो किसी पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयर का होना चाहिए एंड या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर का होना चाहिए सो so, मैंने जो प्रोड्यूस करे थे मैंने दो गेजेटेड ऑफिसर से लेकर के प्रोड्यूस कर दिए थे बिकॉज कॉलेज वाला जो था वो मेरा सिक्स मंथ से ज़्यादा हो गया था सो सिक्स मंथ से ऊपर का अगर आपका कॉलेज या स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास पड़ा है करेक्टर का तो वो इनवेलिड ही होगा इसलिए नया वाला बनवा लीजिएगा स्कूल या कॉलेज से या फिर आप क्या कर सकते हैं कोई भी दो गजेटेड ऑफिसर से वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अटेस्ट करवा सकते हैं वो वैलिड माने जाएंगे एंड जो ट्वेंटी है इसमें आपको दो को मेंशन करना है एंड कल एक uh, मतलब कमेंट भी आया था कि मतलब ऊपर कहा गया है कि ऑक्युपेशन को आपको मैंशन करना है बट ऑक्युपेशन के लिए कॉलम नहीं है सो so आप जब उनका नाम लिखेंगे नाम के आगे ब्रैकेट लगा के उनका ऑक्युपेशन आप मेंशन कर सकते हैं एंड एड्रेस और टेलीफोन नंबर प्रॉपर आपको मेंशन करना है मैंने मतलब कल रेफरी के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है वो आप देख सकते हैं उसका लिंक मैं डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में एंड उसके बाद है ट्वेंटी टू वाला अगर अगर कोई स्पेशल आपने कुछ भी आ, अचीवमेंट करी है या कुछ आप बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जो चीजें आपको ऊपर वाले कॉलम में नहीं मिली मैंशन करने को एंड उसके बाद ये लास्ट में आपने डिक्लेरेशन जो है ट्वेंटी में वो आपने साइन कर देनी है और थम इम्प्रेशन जो है आपके लेफ्ट थम का लगेगा वो वहीं पे जाकर आप लगा लीजिएगा एंड साइन भी हो सके तो वहीं पे जाके करिएगा उसके बाद अब हम देखते हैं ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इसको आपने जो है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है जिससे आप लोग करेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाएंगे उससे आप ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी अटेस्ट करवा सकते हैं एंड एक कमेंट था कि आ, कितने सालों का जो है हमारे पास होना चाहिए कि इतने सालों से जानते हैं सो so, मतलब आप पाँच साल लगा सकते हैं छः साल लगा सकते हैं दो साल लगा सकते हैं तीन साल लगा सकते हैं तो मैंने पाँच साल लगाया था सो so, उस हिसाब से मोटा मोटा हिसाब लगा दीजिएगा तो पाँच साल तो मिनिमम डाल ही दीजिएगा उसमें एंड उसके बाद किसी ने अगर ओ में रिजर्वेशन ली है तो उसका यह डिकलेशन है जो जनरल कैटेगरी वाले हैं या किसी और कैटेगरी वाले हैं तो उनको ये डेक्लरेशन फिल नहीं करनी है उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है वो आपका है इंस्ट्रक्शंस का सो इन इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली एक बारी रीड आउट कर लीजिएगा पहले इंस्ट्रक्शन में उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के रिलेटेड बात बात करी है अगर आप तमिलनाडु या केरल वगैरह वाली साइड से हैं सो so उस केस में उन्होंने कहा है कि जो ट्वेल्थ टेंथ का डिप्लोमा है या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ मैंशन होती है मार्कशीट में नहीं होती है तो आप जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी वहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे तब भी जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ माना जाएगा उसके बाद आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री के सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है प्रोविजनल है या, या ये आपका नहीं आया है सो उसके लिए वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा एंड थर्ड पॉइंट में उन्होंने वही कहा है कि आपको जो है दो करेक्टर सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं उसके बाद उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट जिनका भी लगना है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रॉपरली वहाँ पे लगाना है और ओ का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हुआ होना चाहिए एक चार दो हजार बाईस तक का और उसके बाद जो इन्होंने ई की कैटेगरी लगाई है वो ई का जो है वो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू का होना चाहिए एंड मेडिकल सर्टिफिकेट अगर किसी ने मतलब कि फिजिकली डिसबल्ड की लगाई हुई है कोई भी कैटेगरी सो तो वो उनके लिए है उसके बाद जो भी चेंज इन नेम को क्लेम कर रहे हैं उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एंड जो नाइन्थ वाला पॉइंट है वो है कि एज रिलैक्सेशन अगर आप ले रहे हैं सो तो उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगेंगे वो लगाने हैं आपको एंड कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी देआर ऑफ ये बहुत जरूरी है आपको ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट का लेकर के जाना है किसी भी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पास नहीं है और आप वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ये सस्पिशन की एक्टिविटी मानी जाएगी तो इस तरह की ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे से कल पूछा था कि जो गैजेटेड ऑफिसर है वो हम अपने ब्लड रिलेशन में क्यों नहीं रख सकते हैं और ऐसा कहीं पे मेंशन भी नहीं है कि वो ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए गैजेटेड ऑफिसर ऐसा इसलिए मैंने कहा था सेल्फ इम्प्लीसिड इन्फॉर्मेशन थी ये मेरी कि अगर हम इस तरह से अपने ही ब्लड रिलेशन में से किसी से गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे सो वो एक सस्पिक्शन की कैटेगरी में देखा जा सकता है कि क्यों इसने किसी और से साइन नहीं करवाए ब्लड रिलेशन वाले से ही क्यों साइन करवाए सो so, ये चीज होती है उसके बाद वो लास्ट है कि जो जो आपने एनक्लोज करे हैं उनको टिक कर देना है जो चीजें आपने एनक्लोज नहीं करी हैं, उनको क्रॉस कर देना है दैट्स इट ये आपका बायोडाटा फॉर्म है एंड इसकी आपको पांच कॉपीज अपने अपने साथ कैरी करके लेकर ले जानी है और मतलब बायोडाटा फॉर्म एक फिल कर लीजिएगा दो या तीन उसकी कॉपीज पहले ही निकलवा लीजिएगा कि इन केस अगर आपसे कोई पहली बारी में गलत फॉर्म फ़िल हो जाए तो आप दोबारा से जो है दूसरा फॉर्म उसको अच्छे से फिल कर सके सो so, दो या तीन कॉपीज पहले निकलवा लीजिएगा उसको फॉर्म को फ़िल कीजिएगा बहुत ध्यान से उसके बाद उसकी जो है चार फोटो कॉपीज और करवानी है आपको एंड हर एक डॉक्यूमेंट की आपको पाँच पाँच कॉपीज नहीं ले के जानी है उसकी आपको एक एक कॉपी ही लेकर के जानी है बस आपको बायोडाटा फॉर्म की जो है पांच कॉपीज लेकर के जानी है एक ओरिजिनल प्लस चार इसका मतलब है कि आपके चार पैनल मेंबर्स होंगे और सॉरी पांच पैनल मेंबर्स होंगे ये थी सारी हमारे बायोडाटा फॉर्म को लेकर के डिस्कशन सो so, होप कि आप सबके जो थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे एंड इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग सो so, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दैट Hope you like this video. Do like, share, comment and subscribe. Thanks for watching.